एक रियाल का मिलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाए। रही है 10 रियाल की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ मदीना। इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको मिलने वाली है बहुत सारी डिटेल जिससे आप कम प्राइस में बहुत अच्छी ज़ियारत भी कर सकते हैं और बहुत सारी शॉपिंग भी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आपको बताती चलूँ, मैं जा रही हूँ जद्दा से मदीना। ये जगह कहलाती है शर्फिया। ये जद्दा का बस स्टॉप है जहाँ से हम मदीना जा सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज़ भी हैं। पर पर्सन 60-70 रियाल है जिसमें आप आना जाना दोनों कर सकते हैं। मैं जब भी मदीना जाती हूँ मैं इनकी ही बस से ट्रैवल करती हूँ। इनका स्टाफ बहुत अच्छा और कोऑपरेटिव है और इनकी बसेस भी बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे कुछ बसेस खड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी हैं। आज का सफ़र होगा मेरा इस बस में। आप लोग देख सकते हैं कि अंदर से बस कितनी बड़ी है और सीट्स भी बहुत कम्फर्टेबल हैं। मैं आके बैठ गई हूँ बस में और बाहर जो आपको विंडो से नज़ारे नज़र आ रहे हैं ये है यहाँ की मार्केट, और ये भी बहुत सस्ती है अगर आप यहाँ से शॉपिंग करके जाना चाहें मदीना के लिए। बस फुल होने के बाद निकल पड़ी है सफ़र पर। बस अल्लाह ताला हमें खैर खैरियत से मस्जिद नबी पहुंचा दे। रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं कि बस देख के दिल बहुत खुश हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको टिकट प्राइस बताए हैं 60-70 रियाल। अगर आपको वहाँ पे रूम लेना है तो वो भी ये लोग करवा देते हैं 100 रियाल का। सोच रही हूँ कि अब थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों को ही फ्रेश रखना ज़रूरी है वहाँ पर इबादत करने के लिए। तो सीज़ कुछ यूँ है कि मैं सो गई थी 2 घंटे के लिए बस में। अब बस आके रुकी है एक जगह पेट्रोल पंप पे। ये लोग फ्यूल भरवाएंगे और 15 मिनट का टाइम देते हैं कि आपको वॉशरूम जाना हो या कुछ खाना तो आप यहाँ से खा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा स्टोर भी है तो यहाँ से मैंने कुछ खाने पीने के लिए स्नैक्स ले लिए थे क्योंकि आधी रात को मुझसे कुछ ज़्यादा हैवी खाया नहीं जाता है। 5 घंटे के सफ़र के बाद अब हम पहुँच गए हैं मस्जिद कुबा। ये लोग आपको मस्जिद कुबा की ज़्यारत करवाते हैं। मस्जिद नबी ले जाने से पहले यहाँ पर आप 2 रकअत नफिल अदा कर सकते हैं जिसका सवाब एक उम्रे का है। तो आप लोग जब भी यहाँ आएँ मदीना तो इस जगह पर ज़रूर आएँ, यहाँ की ज़्यारत ज़रूर करें और 2 रकअत नफिल ज़रूर अदा करें। तहज्जुद का वक्त है और मस्जिद आप लोग देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत लग रही है और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों की चहल पहल। आधी रात का वक्त है और माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा तादाद में लोग हैं यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ वज़ू करने के लिए क्योंकि ये जो है जब बस रुकते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके पास 15 मिनट का टाइम है, उसमें आप नमाज़ पढ़ के आ जाएँ। ये सामने की तरफ लेडीज़ का प्रेयर रूम है और आप लोग यहाँ से बाहर की तरफ देख सकते हैं कि कितना अच्छा हो रहा है सब कुछ, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हो रहा है। सामने एक पार्क भी बना हुआ है जहाँ आप जाके बैठ सकते हैं। मैंने वज़ू कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए जल्दी जल्दी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, अंदर काफ़ी रश हो रहा था। तो अब बस जल्दी से नमाज़ पढ़ के बस की तरफ जाना है। यह आ गया है यहाँ का प्रेयर रूम, ये यहाँ का नमाज एरिया है और यहाँ पर इतना ज़्यादा सुकून हो रहा है और आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहज्जुद भी पढ़ लिया और 2 रकअत नफिल भी अदा कर लिए। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ वापसी की तरफ। Allah
यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है तो बहुत सी जगह बंद की हुई है और तोड़फोड़ हुई है। वैसे मैंने अजान के दौरान आप लोग को आसपास का दिखाया है सब कुछ। यहाँ पर आपको अजवा खजूर भी मिल जाएगी, 10 रियाल का इन्होंने पैकेट बनाया हुआ होता है, उसमें 1.25 किलो होती है खजूर। वहाँ सामने की तरफ सारी बसेस खड़ी हुई हैं, वहाँ पे मेरी वाली बस भी खड़ी हुई है जिसमें मैं आई हूँ, वहीं पे अब मुझे वापस जाना है। यहाँ पे ना इन्होंने छोटे छोटे से ऐसे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, उसमें कुछ ना कुछ ये लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको चाय, जूस या अगर आपको नूडल्स खाने हो तो वो भी गर्म गर्म मिल जाएंगे। मैं मस्जिद कुबा से बस में आके बैठ गई थी, बस अब हम लोग थोड़ी देर में मस्जिद नबी पहुँचने वाले हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग टाइम पे जो है मस्जिद कुबा पहुँच गए थे, हमें नसीब हो गई तहज्जुद भी और 2 रकात नफिल भी। वहाँ सामने की तरफ मस्जिद नबी नज़र आना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आके रुक गई है, अब हम लोग बस से उतर गए हैं, हम जा रहे हैं मस्जिद नबी की तरफ। ये लोग थोड़ा डिस्टेंस पे उतारते हैं, 10 से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होता है, हमें यहाँ से कुछ चल के जाना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि होटल सारे यहीं पे हैं। जब आप यहाँ से चल के जा रहे होंगे मस्जिद नबी की तरफ, तो यहाँ पे आपको रास्ते में ही बहुत सारे स्टॉल्स नज़र आ जाएंगे जिसपे आपको बहुत ही सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रूट्स भी मिल जाएंगे 2 रियाल, 3 रियाल, 5 रियाल और 10 रियाल, इससे ज़्यादा महंगा तो कुछ भी नहीं है इस स्टॉल पर। बस अब थोड़ा ही वॉकिंग डिस्टेंस बचा है, मस्जिद नबी भी नज़र आना शुरू हो गई है। यहाँ पर ही आपको ग्रीन स्पॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पे साइकिल्स भी हैं, इसकी डिटेल मैं आपको दिन के टाइम पे दूंगी। अभी जो है यहाँ पे नमाज़ शुरू हो गई है, अब बस जल्दी से जाके नमाज़ अदा करनी है। मस्जिद नबी के आसपास ही बहुत ही बड़े बड़े होटल्स हैं और बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं ये। नमाज़ मैंने अदा कर ली है फजर की, मस्जिद के बाहर ही मुझे नमाज़ अदा करनी पड़ी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, वहाँ से चल के यहाँ पर जो हम आए हैं उसी में इतना टाइम निकल गया था। माशाल्लाह से मस्जिद नबी का एरिया भी इतना ज़्यादा वसी कर दिया है इन लोगों ने कि चल चल के भी हम लोग अभी तक मस्जिद नबी के मेन गेट तक नहीं पहुँचे हैं, अभी भी थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस बाकी है क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सारे होटल्स बना दिए हैं। रबीउल अव्वल का महीना है और मस्जिद नबी में लोगों की रौनकें लगी हुई हैं। फाइनली मैं मस्जिद के अंदर आ गई हूँ, आप लोग रश देख सकते हैं, अभी फजर की अजान ख़त्म हुई है तो सारे मर्द हज़रात मस्जिद से बाहर आ रहे हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा रश हो रहा है, इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है। गर्मी का मौसम है तो इसलिए यहाँ पे जगह जगह फैंस लगे हुए हैं। मस्जिद तो इतनी खूबसूरत लग ही रही है और सुबह की हल्की हल्की सी किरणें नज़र आना शुरू हो गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। इतना कोई खूबसूरत मंज़र है कि शायद कैमरा भी उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा जो मेरी आंखें देख रही हैं इस वक्त, सुभान अल्लाह। ये मेन गेट के बिल्कुल सामने का व्यू है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखिए कि हर लम्हे बादल अपना कलर चेंज कर रहे हैं और इतना खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पे सारी लेडीज़ आपको वेट करते हुए नज़र आ रही है और मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है मस्जिद के अंदर सलाम पेश करने। तो फजर के बाद और इशा के बाद का टाइम होता है लेडीज़ के लिए जिसमें आप सलाम पेश करने जा सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि वेट क्यों करना पड़ा, तो वेट इसलिए करना पड़ा क्योंकि मस्जिद के अंदर सारे मर्द थे तो अब वो वहाँ से निकल रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर सलाम पेश करने के लिए। रबीउल अव्वल का महीना है और बस 2 दिन बाद ही 12 रबीउल अव्वल है, तो इतनी ज़्यादा लोगों की तादाद है यहाँ पर। चूँकि सुबह हो गई है, अब थोड़ी देर में धूप निकलना शुरू हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये शेड्स हैं ये खुलना शुरू हो जाते हैं, छतरों की तरह बने हुए हैं और ये इतने खूबसूरत लगते हैं खुलते हुए। जो यहाँ की शुरता है उन्होंने कह दिया है कि अब अंदर जाना है, तो आप लोग क्राउड देख सकते हैं। बस अब मैं जा रही हूँ मस्जिद के अंदर और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस अब मैं आ गई हूँ मस्जिद के अंदर और इतना ज़्यादा सुकून हो रहा है कि यहाँ से वापस जाने का दिल नहीं करता। बस अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को यह ज़्यारत नसीब फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करना नसीब फरमाए। आप लोग देख सकते हैं कि अंदर से मस्जिद कितनी खूबसूरत बनी हुई है, बस अब थोड़ी देर में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। इन्होंने ना कुछ लोगों को पहले भेज दिया और कुछ लोगों को यहाँ बिठा दिया, उनको बाद में भेजी गई क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। कोई ऑलमोस्ट 15-20 मिनट का वेट करना पड़ा और यहाँ पे भी जो है ये शेड्स खुलना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से गुंबद के साथ, और ये शेड्स खुलते हुए इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ आकर सब सलाम पेश करते हैं जिनको रियाज़ुल जन्नत का परमिट नहीं मिला होता, मगर मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने रबीउल अव्वल के महीने में मुझे ये मौका भी नसीब फरमाया, मुझे सलाम पेश करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नसीब फरमाया। मैंने 2 रकात नफिल अदा कर ली और बहुत सारी दुआएं भी मांग ली हैं कि अल्लाह ताला अगली दफ़ा मुझे परमिट मिल जाए रियाज़ुल जन्नत का, क्योंकि मेरे दिल से बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है और मैंने तमाम मुसलमानों की तरफ से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश किया है।
दो रकात नफिल पढ़ने के बाद और सलाम पेश करने के बाद अब मैं जा रही हूँ मस्जिद से बाहर की तरफ। माशाल्लाह से मस्जिद भी अंदर से इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अच्छा खासा वॉकिंग डिस्टेंस है। आपको उसके गेट तक जाने के लिए भी बहुत सारा वॉकिंग डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मुझे ये वाली नात बहुत याद आती है। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। यहाँ पर इन्होंने स्क्रीन भी लगाई हुई जिस पर इन्होंने नमाज के टाइम मेंशन किए हुए हैं। आ गई हूँ मैं मस्जिद से बाहर और आप लोग देख सकते हैं कि रश कितना कम हो गया है। कुछ लोग होटल्स में चले गए होंगे और कुछ लोग मस्जिद के अंदर हैं। मैं जा रही हूँ अब मस्जिद नबी के मेन गेट से बाहर की तरफ। यहाँ पर ही आप लोग सामने देख सकते हैं अल मुनव्वरा लिखा हुआ है, ये गिफ्ट शॉप है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, परफ्यूम, इत्र, जानमाज। अभी मैं आगे की तरफ जा ही रही थी कि मुझे रास्ते में ये बहुत सारे कबूतर नज़र आ गए। इनको यहाँ पे दाना डालते हैं और साथ के साथ सफाई भी हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग आपको साइकिलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे होंगे, इसकी डिटेल्स भी मैं आपको दूंगी। इन कबूतरों को दाना डालने का जितना सवाब है और उतना ही मज़ा आता है इनको उड़ाने का। भाग भाग के बच्चे यहाँ बहुत उड़ाते हैं, मैं भी उड़ा देती हूँ। अब चलते हैं आगे की तरफ। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं इतना चल चल के जाना कहाँ चाह रही हूँ। एक्चुअली सुबह हो गई है तो अब भूख भी लगी हुई है, रात का खाना खाया हुआ है जी। तो चल चल के फाइनली मैं पहुंच गई हूँ उस स्पॉट पे जहाँ आपको मिल जाएंगे बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी, और अगर आप किसी और कंट्री से आए हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। सामने की तरफ ही है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स। ये है इस रेस्टोरेंट के वेटर। अब इनसे हम पूछते हैं यहाँ का मेन्यू। मेन्यू भी पूछ लिया है और ऑर्डर भी दे दिया है। आ गया है गर्म गर्म नाश्ता, कीमा और रोटी। नाश्ता मैंने कर लिया, मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ टेबल्स भी लगी हुई हैं अम्ब्रेला के साथ, यहाँ बैठ के भी आप नाश्ता कर सकते हैं और सामने की तरफ भी बहुत मज़े की चीज़ें मिल जाएंगी। ये जगह कहलाती है मदीना टू दी वर्ल्ड और इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली है, और जो लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे उनके लिए मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद होगी। यहाँ यहाँ आपको फ्रेम जैसा सामने नज़र आ रहा होगा, इसमें खड़े होकर लोग पिक्चर्स खिंचवाते हैं। चल चल के इतना ज़्यादा थक गई थी कि सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि रात भर की जागी हुई है। अब बॉडी में ना एनर्जी ख़त्म होना शुरू हो गई है, जैसे नींद आ रही है, नींद भी पूरी नहीं हुई हुई है। तो बस अब थोड़ी देर बैठ के यहाँ के नज़ारे देखूँगी। सामने फ्रेम की तरफ देखें आप लोग, कितना ज़्यादा क्राउड जमा हुआ है। सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हमारी बारी आए तो हम भी पिक्चर्स खींचें। फ्रेम के सामने की तरफ देखें आप लोग, एक लड़की कैमरा लेके खड़ी हुई है, पिक्चर्स खींच रही है। ये यहाँ पे प्रोफेशनली काम करती है, पिक्चर्स खींच के देती है आपको। 15 रियाल की 3 पिक्चर्स मिलेंगी विद प्रिंट। ये यहाँ की ज्यारत बस है और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी, और जो लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे उनके लिए अपलोडेड होगी जी। तो जैसा मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगी यहाँ के साइकिल का सीन। ये यहाँ पे इस तरीके से स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स होती हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आप लोग इस साइकिल को लेकर यहाँ पे आसपास जा सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अबाया शॉप, जो कि है मस्जिद नबी के गेट नंबर 22 के पास। ये आ गई है बहुत ही बड़ी सी शॉप अबाया की। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हर तरह के अबाया, जो आपको फैंसी चाहिए हों या सिंपल, और हर तरह की क्वालिटी है इनके पास। आपको मोटा कपड़ा चाहिए या पतला, बड़ों के अबाए के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बच्चों के अबाए भी, और इसकी भी बहुत सारी वैरायटी है। सामने की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके प्राइसेस भी लिखे हुए हैं, इनकी एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से इनके प्राइसेस होते हैं और कपड़े के हिसाब से भी होते हैं। ये जो अबाए स्टार्ट हो रहे हैं ये 60 रियाल से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके ऑनवर्ड्स ये चल रहे हैं, 120 रियाल तक आपको यहाँ पर अबाए मिल जाएंगे। अबाए की वैरायटी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी है, सिर्फ ब्लैक में नहीं कलर्स में भी हैं। देखिए ये वाला अबाया भी कितना अच्छा लग रहा है, सिर्फ 60 रियाल में। ये वाला अबाया मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे अबाये ही अलग अलग डिज़ाइन के हैं। इसके आगे ही आ गई है एक और शॉप, ये अबाये आपको मिल जाएंगे 25 रियाल में। अबाये की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग इस शॉप में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश हो रहा है। अबाया शॉप से बाहर आकर गेट नंबर 22 के पास आके अब मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से फ़र्श की सफाई होती है। थोड़ी देर में नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो माशाल्लाह से तादाद फिर से बढ़ना शुरू हो गई है लोगों की, और फिर रबीउल अव्वल का महीना भी है। तमाम ख़वातीन और हज़रात जाके बैठ गए हैं, कुछ लोग मस्जिद के अंदर चले गए हैं और कुछ लोग मस्जिद के बाहर ही नमाज़ अदा करेंगे। बस सब यहाँ पर नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि अज़ान होने का इंतज़ार कर रहे हैं। Hayya 'alas salah.
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما كثيرا أما بعد. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाजमात नमाज़ अदा कर ली है और आप लोगों की तादाद देखें अब कितनी ज़्यादा हो गई है जैसा कि मैंने आपको कहा था। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए, तो जो यहाँ पे चार नमाज़ें हैं उन पर मैंने बैठ के थोड़ी देर आराम कर लिया। बैग के ऊपर अपना सर रख लिया था कि थोड़ी सी नींद आ जाए, मगर नींद तो नहीं आई। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एक रियाल मार्केट। मैं जा रही हूँ मस्जिद नबवी के गेट नंबर 35 की तरफ। सीधे हाथ पर है गेट नंबर 35, इस तरफ हेल्थ सेंटर भी है। यहाँ से हम जाएंगे स्ट्रेट मस्जिद बिलाल की तरफ। सामने ये जो पुल है उसके पीछे की तरफ है मस्जिद बिलाल। ये आ गई है मस्जिद बिलाल और उसके साथ ही है ये मार्केट। यहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ आपको सब कुछ एक रियाल का मिलेगा। यहाँ ये हर साइज़ में जा नमाजें भी हैं। ये देखिए ये वाली जा नमाजें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, 10 रियाल की एक है। और इस तरफ भी जा नमाजें हैं। यह आ गया है काजल इत्र और जड़ी बूटियों का स्टॉल। यहाँ पे ये फ्रूट्स के स्टॉल भी हैं। क्या आ गया है एक रियाल का स्टॉल, इनके पास चूड़ियाँ ज्वेलरी तस्बीह बहुत कुछ है। यहाँ आपको हर किस्म की खजूरें बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगी। इनके पास यहाँ पे कुछ कपड़े भी हैं और आगे की तरफ यहाँ पे ज्वेलरी है, इस तरफ तस्बियाँ। बहुत बड़ी मार्केट है ये। फिर से आ गई हैं जा नमाजें हैं, 10 रियाल की एक, बहुत ही खूबसूरत हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। ये भी एक रियाल का स्टॉल है, यहाँ पे भी बहुत कुछ है। ये आ गई हैं ढेर सारी चॉकलेट्स 15 रियाल की किलो। यहाँ पे हर किस्म की वॉचेस भी मिल जाएंगी सिर्फ 10 रियाल की। आगे चलते हैं और मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक रियाल के स्टॉल है। ये देखें यहाँ पे भी एक स्टॉल है और मार्केट का रश देखें। ये टोपियाँ भी एक रियाल में। यहाँ पे परफ्यूम इत्र है वो भी एक रियाल में। यहाँ पे घड़ियाँ हैं, इस तरफ परफ्यूम्स हैं। यहाँ पे लड़कियों के स्कार्फ्स हैं, परफ्यूम्स हैं, जा नमाजें हैं। बहुत बड़ी मार्केट है ये देखा जाए तो। यहाँ पे कुछ ज्वेलरी सेल हो रही है, इस तरफ भी ज्वेलरी है। रश इतना है कि बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ दिखाना पड़ रहा है। यहाँ पे भी ज्वेलरी है बहुत सारी, इस तरफ स्कार्फ्स हैं। यहाँ पे चॉकलेट के बॉक्सेस हैं। यहाँ पे जानमाज़े, स्कार्फ, तस्बियाँ और भी बहुत कुछ है। अब मैं जा रही हूँ वापस मस्जिद नबवी की तरफ। ये दे दिया है मैंने आपको ओवरव्यू ब्लाल मार्केट का। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें एक रियाल में मिल जाएंगी, साथ 10 रियाल, 5 रियाल और 15 रियाल की भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब इतना चलने के बाद मैं फिर से थक गई हूँ तो बैठ गई हूँ। ये सामने की तरफ कूलर्स रखे हुए हैं, इसमें जमजम नहीं होता है, सादा पानी होता है। असर की नमाज़ भी हो गई है, अब मैं आ गई हूँ मस्जिद से बाहर। अब मैं जाऊँगी यहाँ से आगे की तरफ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगी, देखूँगी और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। शाम हो गई है तो मौसम कुछ अच्छा हो गया, धूप ख़त्म हो गई है तो अब लोग निकलना शुरू हो गए हैं मस्जिद से बाहर और होटल से बाहर। यहाँ पर अंकल ने स्टॉल लगाया हुआ है, इनके पास अलग अलग किस्म के मसवाक हैं। चलिए जी अब करना है रोड क्रॉस, क्योंकि अब जाना है उस तरफ, वहाँ पर जाएँगे जहाँ पर हमने नाश्ता किया था। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही क्यूट सी बैठक भी बनाई हुई है, देखने में इतनी अच्छी लग रही है, छोटी सी कोजी सी। ये फिर से वही जगह आ गई है मदीना टू दी वर्ल्ड, और यहाँ पे एक सेंटर बना हुआ है, आप यहाँ इनसे डिटेल्स दे सकते हैं, मदीना के बारे में सवालात कर सकते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा बना हुआ है मदीना टू दी वर्ल्ड। यहाँ पर ये छोटे से दो कार्ड्स हैं, यहाँ पर ऊँट के दूध की चाय मिलती है जो कि इस वक्त बंद है। मौसम देख सकते हैं आप लोग किस कदर सुहाना हो रहा है।
ये सामने की तरफ आपको जो नज़र आ रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ, यहाँ पे ये बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी खाने भी मिल जाएंगे और दूसरी कंट्रीज़ के भी मिल जाएंगे। तो बस मैंने यहाँ से अब चाय ले ली है, बस मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ और चाय के मज़े ले रही हूँ। मौसम आप लोग देख सकते हैं कितना सुहाना हो रहा है, सामने पहाड़ है और ये खूबसूरत मंज़र। चाय मैंने पी ली, अब मैं वापस जा रही हूँ उसी तरफ जहाँ से मैं आई थी। ये देखें आप लोगों को रोड नज़र आ गई और सामने की तरफ मस्जिद भी है। यहाँ से हमने जाना है स्ट्रेट, मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे हम बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट, उनका जायका भी बहुत अच्छा है। रोड क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ जाएंगे तो एक कट आएगा राइट साइड पर, वहाँ हमने मुड़ जाना है। अब मैं मुड़ गई हूँ लेफ्ट साइड की तरफ, सामने की तरफ ही आपको बहुत सारी लाइट्स नज़र आ रही है। ये वही जगह है जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ। ये देखिए सामने आ गया है कड़क एक्सप्रेस, यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइड चिकन, बीफ और चिकन दोनों की वैरायटी है। ये आ गया है चिकन दुबई रेस्टोरेंट, इनके पास है बहुत ही मज़ेदार फ्राइड चिकन, बर्गर्स और साथ ही साथ आपको यहाँ पे देसी फूड भी मिल जाएगा, फ्रेश फ्रूट जूस भी यहाँ पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप लोग फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स और चॉकलेट शेक्स भी हैं यहाँ पर, और आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी। अब मैं वहाँ से आ गई हूँ लेफ़्ट साइड पे आगे की तरफ, यहाँ पे बड़ा बड़ा बिंदाउद भी लिखा हुआ है, यहाँ पे बिंदाउद भी है और यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग के लिए स्टोर्स भी मिल जाएंगे। चले जी, आई एम बैक इन हरम, यानी कि मैं मस्जिद के अंदर आ गई हूँ वापस से, और मुझे जाना है अब एक और जगह जो मैं आपको अपने साथ लेके जाऊँगी और आपको भी दिखाती हूँ वो जगह पर। अभी मैं मौजूद हूँ गेट नंबर 328 के पास और मुझे जाना है गेट नंबर 309 के पास। माशाल्लाह से मस्जिद इतनी बड़ी है कि एक गेट से दूसरे गेट की तरफ जाने में ही बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो अच्छा खासा वॉकिंग डिस्टेंस है। ऑलमोस्ट मैं पहुंच गई हूँ अपनी मंजिल की तरफ, सामने की तरफ म्यूज़ियम है, मुझे आप लोगों को वही दिखाना था, उसके बारे में बताना था। सामने की तरफ ये जो म्यूज़ियम है इसके चार्जेस हैं पर पर्सन 40 रियाल, और ये इस तरफ आ गया है गेट नंबर 309। माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, इतना खूबसूरत मंजर है कि आंखें ठंडी हो गई। अब मैं इस तरफ आई गई थी तो मैंने सोचा कि वो बाहर की तरफ से देख लेते हैं, अभी अंदर जाने का तो टाइम नहीं है इतना हमारे पास, क्योंकि मार्केट भी जाना है और वो भी दिखानी है आप लोगों को। तो ये यहाँ से बाहर का इसका व्यू है, यहाँ से आप लोग टिकट परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर बने हुए हैं और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। ये मस्जिद कमामा कहलाती है। ये देखें यहाँ पे ये मिनी बसेस भी होती हैं, इसका किराया जो है पर पर्सन 10 रियाल है। मस्जिद कमामा के पास ये कार्ट बसेस खड़ी भी होती हैं, वहाँ से हमें जाना है लेफ्ट साइड की तरफ। ये देखें ये सामने की तरफ पुल है और यहाँ पे कितनी रौनक लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट बनी हुई है पूरी, तो लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। फिर ठंडा टाइम हो गया, अभी असर का टाइम है तो लोग इसी वक्त निकलते हैं, दिन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और यहाँ पे आपको पानी भी मिल जाएगा पीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठंडा ठंडा पानी मैंने भी ले लिया, अभी मैं भी पीऊँगी। और वो देखिए सामने की तरफ वो जो मैंने आपको कार्ट बताया मिनी बस, वो जा रही है। तो ये इस तरीके से नीचे चीज़ें बिछा के भी बेचते हैं। कम हाजा वो 15, अच्छा ये दो परफ्यूम्स आपको 15 रियाल के मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये चूड़ियाँ भी मिल रही हैं, यहाँ सब जाने दस वाटर ब्रो गाड़ी गाड़ी दस पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जानमाज़े भी सेल हो रही है, हम हाजा 18 रियाल, यानी कि 10 रियाल के आपको एक मिल जाएगी यहाँ पे जानमाज़। और यहाँ पे नीचे भी इस तरीके से स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। सब लोग जो है ये शाम के टाइम पे नीचे चादर बिछा के इस पर चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, 2-3 रियाल की आपको चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, आपको स्कार्फ भी मिल जाएंगे। कम हाजा सब कुछ आपको यहाँ पे 10 रियाल के अंदर मिल जाएगा, इससे महंगा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो है ना ये बजट फ्रेंडली जगह। ये देखें शॉल्स और स्कार्फ भी 10 रियाल के हैं। ये देखें ये पुल आ गया है यहाँ पे।
सामने वो रेड बस ज़ियारत की बस आपको जाते हुए नज़र आ रही होगी। मैं आ गई हूँ वापस मस्जिद गमामा की तरफ। आप लोग देखें यहाँ पे कितने प्यारे बॉल्स बनाए हुए हैं सिटिंग के लिए, और ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है मस्जिद इस टाइम पे। मगरिब का टाइम होने वाला है, लैंप्स इनकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कह सकते हैं कि इसको ये नाइट लाइफ है यहाँ की मदीना की। मगरिब की नमाज़ हो गई है तो बाजमात नमाज़ भी अदा करनी है। मस्जिद गमामा में आपको डिटेल में नहीं दिखा पाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो अब जहाँ जगह मिल जाए वहाँ नमाज़ अदा कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाजमात मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली है। लोगों की तादाद और भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि रात हो गई है और रबीउल अव्वल की वजह से भी। अब मैं आ गई हूँ मस्जिद नबी के गेट नंबर 328 के सामने, एक मॉल है वहाँ पर मुझे लेना है डिनर। इस मॉल में भी बहुत अच्छे अच्छे आउटलेट्स हैं और लोकल शॉप्स भी हैं जहाँ से आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। मैं पहुँच गई हूँ यहाँ के फूड कोर्ट पे और यहाँ पे है अलबैक, तो मुझे लेना है यहाँ से बर्गर। बर्गर मैंने ले लिया है, अंदर काफ़ी ज़्यादा रश था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। इस मॉल की डिटेल वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही हूँ मैं क्योंकि अब टाइम थोड़ा शॉर्ट है, इशा की नमाज़ होने वाली है, उसके बाद हमें निकलना है वापसी के लिए। आप सऊदीया आएँ और अलबैक ना खाएं, ये भी कोई बात हुई भला। मैं आ गई हूँ वापस मस्जिद के अंदर और अब कंप्लीट वाली रात हो गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया। जहाँ से वीडियो स्टार्ट की थी उस वक्त भी रात हो रही थी और अब फिर से रात हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इशा की नमाज़ भी बाजमात अदा कर ली। अब जाना है वापस बस की तरफ जहाँ से मैं आई थी, अब मुझे उसी तरफ वापस जाना है। मस्जिद को अलविदा कहते हैं। दिल बहुत भारी हो रहा होता है जाते हुए, आते हुए तो इतनी खुशी और एक्साइटमेंट होती है कि बस पता नहीं चलता कुछ भी, बट जाते हुए दिल बहुत भारी होने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि इतने बाबरकत महीने में, रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह ताला ने मुझे ये ज़ियारत नसीब फरमाई। रात में मस्जिद नबी की रौनकें और बढ़ जाती हैं और आप लोग देखें मदीना टू दी वर्ल्ड भी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है रात की रोशनी में। पूरे दिन आप लोगों के सामने ही मैं इतना चली हूँ कि पैरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। अब तो दिल कर रहा है कि बस कोई चीज़ आए उड़ा के ले जाए घर तक। फाइनली मैं आके बैठ गई हूँ बस में और ये वाली बस भी काफ़ी अच्छी है और सीट्स भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। बस में बैठ के भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग नहीं आए हैं अभी। ये है अलबैक का डबल डेकर बर्गर और मेरा डिनर। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग बनाने और एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है और फिर वैसा रिस्पांस ना आए तो हिम्मत टूटने लगती है, इंसान डिसहार्ट हो जाता है। आपके एक सपोर्ट से मेरा बहुत हौसला बढ़ता है, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। और आप तो मेरे चैनल पर न्यू है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। प्रेस द बेल आइकन, कॉमेंट डन। मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।